आज की वीडियो शायद मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ फिलॉसफी के बारे में। एंड जब से मैंने फिलॉसफी रीड करना शुरू किया है, मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है लाइफ को लेकर। एंड मुझे लगता है कि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर स्कूल के, कॉलेज के, एवरी स्टूडेंट शुड रीड फिलॉसफी। एंड इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज फिलॉसफी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो प्लेजर और फियर ड्रिवन सोसाइटी है। अगर आप टीवी ऑन करोगे तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको कुछ बेक रहा होगा जिससे आपको प्लेजर मिलेगा, या कोई ना कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ दे रहा होगा जिससे आप अपने फियर को दूर कर पाओगे। बट अगर आप प्लेजर और फियर में डीपली जाओ तो ये दोनों ही इल्यूजन है, दोनों में से कुछ भी सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेजर को चेस करो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चेस करो, जब आपको वो मिल जाएगी यू विल रियलाइज कि 10 दिन बाद यू विल फील नॉर्मल कि हाँ ठीक है मेरे पास ये है, नया आईफोन ले लिया, मेरे पास ये है, एंड नाउ यू वॉन्ट समथिंग एल्स। ऐसे ही जब हम फियर से भाग रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैं फेल हो गया, तो अगर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और किसी को पसंद नहीं आया, तो ये सब भी सच नहीं है। अगर आपके पास बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है तो आप कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगे, यू विल ऑलवेज हैव द स्किल्स टू अर्न मनी। और अगर आप यूट्यूब पे स्पेशली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, यू विल ऑलवेज फाइंड एन ऑडियंस। तो हमारी सोसाइटी ने हमें यही सिखाया बचपन से कि प्लेजर को चेज करो और फियर से दूर भागो, जिस चीज़ में डर लग रहा है उस चीज़ से दूर भागो। पर क्या इस जीने के तरीके से निकलकर कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत मीनिंगफुल और फुलफिलिंग वे में जी सकते हैं? वेल, ये मेथड सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। अगर आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे वो भी अपने में एक तरह की फिलॉसफी ही है। बट रिलीजन के बाद अगर कोई इस टॉपिक के बारे में डीपली बात करता है तो वो है एंशियंट फिलॉसफर्स, ग्रीक फिलॉसफर्स, रोमन फिलॉसफर्स, मॉडर्न फिलॉसफर्स। वो इस टॉपिक में डीपली जाते हैं, वो इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं कि क्या फियर और प्लेजर ड्रिवन सोसाइटी बाहर निकल कर भी किसी और तरीके से जीने का तरीका है या नहीं। एंड ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि प्लेजर और फियर के चक्कर में हम एक फुलफिल लाइफ नहीं जी पा रहे, इस प्लानट का ध्यान नहीं रख पा रहे और अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को भी रुइन करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जो आपको बुक्स बताऊंगा वो आपको फिलॉसफी में डीप लेकर जाएगी और आपको जीने का मतलब बताएगी, और एक तरीके से जो बिजी लाइफ में, बिजी सर्कल में हम सब फंस गए हैं, उस सर्कल को पॉज करना सिखाएगी कि जरा रुक कर सोचो व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक है वॉल्डन बाय हेनरी डेविड थरो। इस बुक ने महात्मा गांधी जी को बहुत इन्फ्लुएंस किया था, एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक। बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल बुक रिटन बाय अ गाय जो कि एक वॉल्डन नाम के पूल के पास जाकर ही लिव्स इन अ कैबिन फॉर 4 ईयर्स, और वहाँ पर वो अपनी सारी ऑब्जर्वेशन, सारा लाइफ एक्सपीरियंस इस बुक में लिखता है। इस बुक से बिगेस्ट लर्निंग जो मैंने ली वो ये थी कि हम लाइफ में पैसा उन चीज़ों के लिए कमा रहे हैं जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम पैसे कमा रहे हैं ताकि पिज्ज़ा खा सके, अल्कोहल पी सके, मस्ती कर सके, जो कि ना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है ना हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। हम पैसे कमा रहे हैं ताकि एक बड़ी गाड़ी खरीद सके, जो कि हमारी पूरी बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज वी स्टॉप वॉकिंग और हमें 1 माइल का डिस्टेंस भी बहुत लंबा लगता है चलने में। ऐसे हम पैसे कमा रहे ताकि एक बड़ा घर खरीद सके। बड़ा घर खरीदना मतलब बड़ी मेंटेनेंस, फिर पूरी लाइफ उस घर की सेवा करने में ही चली जाती है। इस बुक से मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज़ें हमें खुश रहने के लिए चाहिए वो है नेचुरल खाना, नेचर में रहना और नेचुरल हवा, वाटर एंड जस्ट दैट थिंकिंग स्पेस इन लाइफ, द साउंड ऑफ नेचर, वो सब हमें फ्री में मिलता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम घर पे उगा सकते हैं, नेचर में हम कभी भी वॉक पे जा सकते हैं। अगर हमें मूवी देखनी है तो हम सिर्फ ज़मीन पर लेटकर ऑब्जर्व कर सकते हैं एंट्स को, फ्लावर्स को, ट्रीज को। नेचर ने जब हमें इस प्लैनेट पर भेजा, हमें एक सेल्फ फुलफिल्ड इंसान बनाकर भेजा, पर हमने अपनी नीड्स को आर्टिफिशियली इतना बढ़ा लिया कि हमें ये चाहिए खुश होने के लिए, वो चाहिए खुश होने के लिए, उन चीज़ों को चेज करने के चक्कर में पूरी लाइफ काम ही करते रहते हैं। और जब वो चीज़ हमें मिलती है, या तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं होती या वो चीज़ हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होती है। इस बुक ने मुझे सिंप्लिसिटी की इंपॉर्टेंस बताई कि कैसे सिंपल लाइफ जीना आपके लिए सबसे बेस्ट है। और इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब आप सिंपल लाइफ जी रहे होते हो, आपकी ज़्यादा नीड्स नहीं होती, तो आप कहीं पे भी रह सकते हो और आप कुछ भी काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको फैमिली प्रेशर में आके इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अगर आप सिंपल लाइफ जीकर अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो तो आप एक पेंटर बन सकते हो, आप एक राइटर बन सकते हो, क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा नहीं है तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बुक है
रिपब्लिक बाय प्लाटो। इट्स अ वेरी पॉपुलर फिलोसॉफिकल बुक। सो इस बुक में क्या है, इस बुक में है प्लाटो सिर्फ लोगों से क्वेश्चंस पूछता है, लोगों से क्वेश्चंस पूछता है और उनके बिलीव्स को तोड़ता है और उनको रहने का तरीका सिखाता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्वर्जेशन होती है, उसमें एक बंदा आके प्लाटो को बोलता है कि हम क्यों औरों के अच्छे के बारे में सोचें, हम क्यों ना सिर्फ अपने अच्छे के बारे में सोचें। अगर आप देखो दुनिया में तो हर कोई अपने लिए पैसा कमाने के लिए लगा हुआ है, और जो भी ये चीज़ कर रहा है वो अपने लिए कमा भी पा रहा है पैसे और अच्छे से रह भी पा रहा है, पर जो बंदा सबके बारे में सोच रहा है वो कहीं का भी नहीं रहा, वो मतलब कि बहुत मीडियोकर वे में मीडियोकर तरीके से रह रहा है, और जो बंदा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है वो एक बहुत लाविश लाइफस्टाइल जी रहा है। तो क्यों ना हम अपने बारे में सोचें, क्यों ना हम सेल्फिश हो जाए, ये बंदा एक प्लाटो से क्वेश्चन करता है, और प्लाटो सिर्फ उसको क्वेश्चनिंग के थ्रू ही समझाता है कि कैसे सोसाइटी में रहने का मीनिंगफुल तरीका सिर्फ एक ही है, वो है सबके अच्छे के बारे में सोचना। और जब आप सबके अच्छे के बारे में सोचते हो तभी आपके साथ अच्छा होता है, और वो कैसे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चनिंग के थ्रू उसकी इस नेगेटिव सेल्फ बिलीव को तोड़ता है। तो इस बुक से सबसे पहली चीज़ तो मैंने कॉन्वर्जेशन स्किल सीखे कि कैसे आप लॉजिकली किसी भी आर्ग्यूमेंट को तोड़ सकते हो, अगर वो आर्ग्यूमेंट किसी भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़ी नहीं होती तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे करेगी ये बुक। और दूसरी चीज़, ये बुक आपको रहने का तरीका सिखाएगी, सोसाइटी में बिहेव करने का तरीका सिखाएगी। मेंटल कंडीशनिंग जो हमारी बचपन से होती आई है थ्रू मीडिया, मूवीज, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो मेंटल कंडीशनिंग कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए और प्लैनेट के लिए। तो ये बुक आपको उस मेंटल कंडीशनिंग को तोड़ने में हेल्प करेगी और सिखाएगी कि सोसाइटी में रहने का असली मतलब क्या होता है। एंड ये बुक काफ़ी फिलोसोफर्स कहते हैं कि एवरी पॉलिटिशियन शुड रीड दिस बुक बिफोर गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स। सोसाइटी को रन करने से पहले उन्हें यह आना चाहिए कि हमें सोसाइटी में रहना कैसे है। नेक्स्ट बुक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग, द नोबल आर्ट ऑफ लीविंग थिंग्स अनडन। तो बेसिकली इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एंड अ कामिंग बुक। इस बुक का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपकी ये जो फास्ट पेस लाइफ है इसमें पॉज लेकर आना। क्या होता है कि हम आज प्रेजेंट में रहकर भी फ्यूचर के बारे में सोच सोच के डरे रहते हैं, अगर हमने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया तो लाइफ खराब हो जाएगी, अगर हम इतने पैसे सेव नहीं कर पाए तो लाइफ खराब हो जाएगी, अगर वो जॉब नहीं मिली तो लाइफ खराब नहीं हो जाएगी, और फ्यूचर की एंजाइटीज की वजह से हम प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस बुक का एम यही है। इस बुक में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज है जो कि आपको काम करेंगी, रिलैक्स करेंगी और आपको ये समझाएंगी कि इट्स ओके अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो देर विल स्टिल बी लाइफ, इट्स ओके अगर आप वो पैसे नहीं जोड़ पाए तो देर विल स्टिल बी लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि दिस बुक वॉन्ट्स टू डीमोटिवेट यू, इसका मतलब ये है कि दिस बुक वॉन्ट्स टू काम यू डाउन एंड मेक यू इंजॉय द प्रेजेंट रादर दैन वरिंग अबाउट द फ्यूचर ऑल द टाइम। अगर आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होगे तो वो फ्यूचर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, और अगर वो फ्यूचर पॉसिबल भी हो गया तो आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके होगे उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप प्रेजेंट में काम और एक फुलफिलिंग स्टेट में नहीं रहे। तो इस बुक का पूरा एम यही है टू कीप यू इन प्रेजेंट, टू मेक यू फील रिलैक्स एंड काम। नेक्स्ट दो बुक्स काफ़ी रिलेटेड है। तो नेक्स्ट बुक है बियॉन्ड गुड एंड ईविल बाय फ्रेडरिक नीशे। सो फ्रेडरिक नीशे वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ हिज टाइम एंड हिज वर्क इज सीन वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न लिटरेचर। इन्होंने हर चीज़ के बारे में डीपली सोचा है, फ्रॉम एथिक्स टू द वे ऑफ लिविंग टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड ही हैज़ रिटन डाउन हिज थॉट्स इन दीज बुक्स। बट जब मैंने ये बुक पढ़ने की कोशिश करी, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, इट वॉजेंट ईजी टू रीड, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई एम पिकिंग अप फिलोसफी, क्योंकि ये मुझे एज अ रीडर भी बहुत पुश कर रही है चीज़ों को समझने में, एंड द वे ऑफ राइटिंग, पुराने वे ऑफ राइटिंग को समझने में, एंड इतने डीप आइडियाज़ को समझने में, इट इज़ पुशिंग माई मेंटल बाउंड्रीज। इसी वजह से मैंने एक और बुक ली है, बेसिक राइटिंग्स ऑफ नीशे बाय पीटर कॉफमैन। सो बेसिकली पीटर कॉफमैन क्या करते हैं, नीशे की राइटिंग को सिंपल इंग्लिश में समझाते हैं, नीशे के सारे थॉट्स, आइडियाज, फिलोसफी को सिंपल इंग्लिश में समझाते हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक बिकॉज एज आई सेड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर्स ऑफ हिज टाइम एंड हिज आइडियाज गो डीप इन टू मोर्टैलिटी, मॉरल वैल्यूज, सिविक ड्यूटीज, नेचर, स्पिरिचुअलिटी। सो आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि कैसे ये लोग इतना डीप सोच लिया करते थे। एक नॉर्मल इंसान का टेंशन स्पैन आज के टाइम पे सिर्फ 6 सेकेंड्स का है, एंड टू गो डीप इन टू सच बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ टेक्स यू ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ योर अटेंशन। सो इट्स अ वे ऑफ मेडिटेशन एज वेल टू रीड सच फिलोसफीज एंड गेटिंग इंस्पायर्ड बाय सच फिलोसफर्स। नेक्स्ट बुक है द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बाय एसी ग्रेलिंग। तो मैंने अपने आपको प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वन ईयर इज ऑल गोना बी अबाउट फिलोसफी, बिकॉज फिलोसफी डजंट हेल्प यू जस्ट इन वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट हेल्प्स यू इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ।
और इस बुक में जितनी भी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सारी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज समराइज करी हुई है, सारे फिलोसोफर्स के सारे आइडियाज, सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में समराइज किए हुए हैं इन अ वेरी सिंपल इंग्लिश, एंड दिस बुक हैज सम अमेजिंग रिव्यूज एज वेल ऑन गुड रीड. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ फिलोसफी एज अ होल सब्जेक्ट, एंड उसमें फिर मैं जिन जिन फिलोसॉफिकल आइडियाज से रिलेट कर पाऊंगा मैं उन आइडियाज में और डीपली जाने की कोशिश करूंगा बाय बाइंग मोर books around those topics, and I'll definitely make videos on them. Next book hai Capital by Karl Marx. I've always heard about Karl Marx and his work, but I never thought of reading it. But when I read the reviews of this book, I had to pick it up. अब इस बुक में कार्ल मार्क्स के बारे में पहले तो छोटी सी बायोग्राफी है शुरू के 20 पेजेस में, एंड वो बायोग्राफी ही इतनी एक्साइटिंग है क्योंकि वो कार्ल मार्क्स की पूरी लाइफ के बारे में बताती है. कार्ल मार्क्स ने जो मैंने सारी बुक्स पीछे दिखाई थी ऑलमोस्ट वो सारी बुक्स पढ़ी है, एंड इवन हिज कोलीग्स यूज्ड टू टेल कि कार्ल मार्क्स इज गोना बी वन ऑफ द रेयरेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ हिज टाइम, एंड दैट मेड मी इवन मोर क्यूरियस कि व्हाट इज दिस होल capital theory about and the whole communism system is about which is very frowned upon in our society. उसको बहुत खराब ढंग से क्यों देखा जाता है. हो सकता है कि उन्होंने कहा कुछ और लोगों ने implement कुछ और किया और उसकी वजह से उनकी पूरी theory बदनाम हो गई, हो सकता है. So that is why I was very curious to read this book. जब कहा जाता है कि 20th century literature में चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स इन दोनों की बुक्स आर द टॉप बुक्स टू रीड. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इन फिलोसफी बुक्स के बारे में सुनकर कैसा लगा एंड आपको फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट कैसा लगता है. इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर वीडियोज अराउंड दिस टॉपिक अराउंड फिलोसफी फिलोसफिकल बुक एंड गो डीप इन टू सर्टन फिलोसफीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज आई वुड लव टू डू दैट. आई वुड लव टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन विद यू गाइज. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी रीडिंग.